नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लैब न्यूज। खबरों के साथ मैं रवि कुमार गुप्ता। सबसे पहले हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं रील पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट एट लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा सेलिब्रेटिंग रिकॉर्ड सक्सेस इन JEE मेंस 2020। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी टीम, इंफ्रा एंड मैनेजमेंट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। कड़े सुबह उठकर जिम रखे अपने आप को फिट। डीवा फिटनेस पॉइंट, लेडीज जिम, मोगलपुरा, GN गंज, दरभंगा। जिलाधिकारी के निर्देशों पर काला बाजारियों के विरुद्ध सख्ती। आलू का खुदरा मूल्य 20 रूपए प्रति किलो और प्याज का 28 रूपए प्रति किलो निर्धारित। बाहर से आए लोगों को चिन्हित कर स्टॉपिंग किया गया। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस को चलाना पड़ा डंडा। सतर्कता ही सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय, डॉक्टर निर्भय। जिला पदाधिकारी ने मरीजों को तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बिहार में पूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन जीवन यापन एवं रोजमर्रा की चीजों तथा अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन के नाम पर सामानों की कृत्रिम कमी बता करके कतिपय व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी का धंधा शुरू कर दिया गया है। इसकी शिकायत मिलते ही जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी पणन पदाधिकारियों को कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश के आलोक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कालाबाजारियों के विरुद्ध धरपकड़ कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। खासकर खाद्य सामग्री, आलू, प्याज, सब्जी आदि के विक्रेताओं के द्वारा ही ऊंचे दामों पर सामान बेचने की शिकायत मिली है। इन व्यापारियों को ही पहले टारगेट किया गया है। इन्हें उचित मूल्य पर ही सामानों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आलू प्याज का खुदरा मूल्य भी उनके दुकानों में प्रदर्शित किया गया है। आम उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि निर्धारित मूल्य के अधिक कीमत वसूले जाने वाले व्यापारियों की सूचना तुरंत दे। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, MO सदर आदि द्वारा दरभंगा नगर में कार्यरत व्यापारियों के स्टॉक की जांच किया गया। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति में सभी गल्ला व्यवसायियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक सामग्रियों की उचित दर पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। वहां उनके स्टॉक की जांच की गई। इसके साथ ही सबसे ज्यादा मांग वाली वस्तु आलू प्याज का थोक एवं खुदरा दर का भी निर्धारण किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आलू का खुदरा मूल्य 20 रुपये प्रति किलो एवं प्याज का खुदरा मूल्य 28 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं आलू एवं प्याज का थोक दर क्रमशः 1600 रुपये क्विंटल एवं 2300 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं पूरे शहर में माइक द्वारा उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की बाजार में कोई कमी नहीं है, आम उपभोक्ता पैनिक ना हो। प्रशासन द्वारा रोजमर्रा की आवश्यकताएं, वस्तुएं एवं अनिवार्य सेवाओं की पहुँच सुगम करने के लिए तत्पर है। सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य के बाहर से यहां आए लोगों को व्यक्तियों का सर्वेक्षण कार्य आज युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सर्वेक्षणकर्ता द्वारा उनके घर पर एक पोस्टर भी चिपकाया गया है, जिसमें उस व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा गया है। बाहर से लौटे व्यक्तियों के हाथ पर एक स्टाम्प भी लगाया गया है। वैसे व्यक्तियों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें अपने घर में ही रहना होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने घर में रहने में कोई कठिनाई होगी तो वैसे व्यक्ति को गांव के स्कूल में क्वारंटाइन किया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य से के बाहर से आए व्यक्तियों को 15 दिन तक अलग रखकर उन पर बराबर नज़र रखी जाएगी। अगर इसी बीच उसमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए तो दोबारा उनको फिर से सामान्य गतिविधि के लिए छोड़ दिया जाएगा।
अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा CBSE कैरिकुलम न्यू दिल्ली के आधार पर। यहां कक्षा पढ़ी से दसवीं तक की पढ़ाई होती है। हमारा मोटो स्पेशली बच्ची को ऑलराउंड डेवलपमेंट इन एनी एक्टिविटी और कंपटीशन पर है। तो आज ही आए होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर दरभंगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी उपलब्ध है हर एक चौक चौराहे के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन चालू है 2020 से 21 के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9431219670, दूसरा 9534600078, तीसरा 9297907777। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं तो प्रयोग प्रवेक्षक छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं वातानुकूलित छात्रावास एक बार आकर स्कूल को देखे और हमें सेवा करने का मौका जरूर। प्रिंटिंग की दुनिया का ऑल इन वन सॉल्यूशन MS ग्राफिक्स। जी हाँ, यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सारे कार्य एक जगह उपलब्ध है, जैसे कि फ्लेक्स प्रिंटिंग, विनाइल, लाइट बोर्ड, वन वे विजन, विजिटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, ID कार्ड, कैलेंडर, हैंडविल, पैम्पलेट्स आदि। प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के लिए रिक्शा भी उपलब्ध है। तो है ना ऑल इन वन सॉल्यूशन MS ग्राफिक्स। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पता सुभाष चौक नियरली शोरूम। हमारा मोबाइल नंबर है 8409180860, दूसरा 6200851। लॉकडाउन के दूसरे दिन जहां सुबह में कुछ चौक चौराहे बंद दिखा, वहीं शाम होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। कुछ लोग हर रोज की तरह अभी भी शाम में बाजार आ रहे हैं। इनमें तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको जरूरत होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका मकसद केवल लॉकडाउन के नियमों का धज्जिया उड़ाना होता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन खुले दुकानों को बंद करवाने की कोशिश करती है और सड़क पर चल रहे आम लोगों को भी जागरूक करने का काम करती है, जबकि पुलिस कहीं कहीं अपने डंडे का भी इस्तेमाल करती नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोगों में इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कोरोना वायरस को लेकर के जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। दूसरे दिन भी सड़कों पर निजी छोटी और बड़ी गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही है, जिसमें खास तौर पर प्रदूषण फैलाती ट्रैक्टर ट्रक व अन्य गाड़ियां शामिल है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने अपने गांव में ग्रामीण पुलिस वार्ड सदस्य एवं टेक्टार स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर के साथ ATM पर, बैंक एवं अन्य कई जगहों पर लोगों को स्वनिर्मित सैनिटाइजर के संबंध में जागरूक किया। इस अवसर पर डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि हम लोगों ने ATM तथा बैंक के गेटों को सैनिटाइजर करने का निर्णय लिया है, क्योंकि गांव में जागरूकता के अभाव रहने के कारण लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे खतरा बैंक तथा ATM जैसे जगहों पर बढ़ जाता है। साथ ही सबों ने आम लोगों से अपील किया कि हम लोग अक्षरश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि ये हमारे ही सुरक्षा के लिए है और WHO का निर्देश है कि सतर्कता बरतकर ही एवं घर में रहकर ही हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं।
नोवल कोरोना वायरस आज के दिन में विश्व के लगभग सभी देशों में फैल गया है। इस बीमारी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए दुनिया ठहर सी गई है। अपने देश भारतवर्ष में कई राज्यों में भी लॉकडाउन आदेश लागू कर दिया गया है। कतिपय राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दी गई है। बिहार सरकार द्वारा भी पूरे राज्य में लॉकडाउन आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना बीमारी के विरुद्ध लड़ाई में सरकार के अभियान से सभी लोग सहयोग करें। इस बीमारी को फैलने से रोकने का सबसे कारगर तरीका सामाजिक दूरियां मेंटेन करनी है। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें। सरकार द्वारा सभी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बाजार में आवश्यक सामानों की कोई कमी नहीं है, इसलिए संग्रह करके भी प्रवृत्ति नहीं रखें। शासन प्रशासन दिन रात मुस्तैद रहकर सभी व्यवस्थाओं को रेगुलेट करने में लगी हुई है। मौके का फायदा उठाने वाले व्यापारियों के विरुद्ध भी धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।